सुबह मदरसे में होती थी पढ़ाई, शाम को मौलाना छपवाता था लड़कों से 100-100 के नोट। अतीक के घर में बदले का बन रहा था ऐसा प्लान, पाकिस्तान कनेक्शन सुन हो जाएंगे दंग। कौन है 8वीं पास मौलाना तफसीरुल जो अफजाल के साथ मिलकर रच रहा था बड़ी साजिश? वो चूरन वाले नोट बेचकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चूर चूर करना चाहता था। वो मौलाना मदरसे में बैठकर भारत की हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली करना चाहता था। उसने बाकायदा 3 लड़कों को इसके लिए काम पर भी रखा था, खुद बड़ी सी कुर्सी पर बैठकर उनका काम देखता, दिन में मदरसे का प्रिंसिपल बना रहता, लेकिन शाम होते ही खुद को RBI का गवर्नर समझने लगता। वो मदरसे के भीतर बैठकर कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा था, उसकी पूरी कहानी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। उसने 3 लड़कों को इसके लिए काम पर रखा था। पहला है मोहम्मद शाहिद, वो मदरसे में मौलवी बनने गया था, सिर्फ 8वीं तक पढ़ा लिखा था लेकिन लालच में आकर 100-100 के नोट छापने लगा। दूसरा है जाहिर खान, वो मदरसे में आलिम यानी कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई करता है, उसके बाद नोट सप्लाई करने वाले काम में जुट जाता है। तीसरा है मोहम्मद अफजल, वो सिर्फ 8वीं पास था, वो बाजार में नोटों को चलाता था, करीब 5 लाख रुपए बाजार में खपा चुका था। इसकी जानकारी जब प्रयागराज पुलिस तक पहुंची तो सबके होश उड़ गए। मुखबिर ने कहा, साहब मदरसे में अवैध गतिविधि चल रही है, बाहरी लोगों का आना जाना बराबर लगा रहता है, लेकिन मामला चूंकि मदरसे से जुड़ा था इसीलिए पुलिस अचानक से छापा नहीं मार सकती थी, तो पुलिस ने पहले निगरानी की, उसके बाद जैसे ही छापा मारा अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई। 3 लोग प्रिंटिंग मशीन से नोट छाप रहे थे, कुर्ते की बाई जेब में नोटों की 100-100 गड्डियां रखी हुई थी। पुलिस सबको पकड़कर पूछताछ करती है, वहां रखा लैपटॉप प्रिंटर और नोट छापने वाले कागज जब बरामद करती है तो उसका दिमाग ठनक जाता है कि आखिर कैसे सारे नोट 100-100 के ही क्यों हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक है? तो एक आरोपी बताता है कि 100-100 के नोट आसानी से बाजार में खप जाते हैं, इसलिए सिर्फ 100 वाले ही नोट छप रहे थे। ये लोग 100 रुपए के असली नोट के बदले में 3 नकली नोट देते थे, ऐसे ही पूरे शहर में इनका खेल चल रहा था। ये थाना जो सिविल लाइन्स है, इस पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसका खुलासा किया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मोहम्मद अफजल है जो अतरसुईया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, दूसरा मोहम्मद शाहिद है, ये अतरसुईया थाना क्षेत्र का रहने वाला है करेली, तीसरा जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, और चौथा इसमें मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन है, ये मूलतः रहने वाला उड़ीसा का है लेकिन यहाँ पे ये एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा जामिया हबीबिया है, इसी का ये प्रिंसिपल था और वहीं पे ये 5-6 साल से रह रहा था। इनके द्वारा उस मदरसे में ही एक रूम में ये जो नकली नोट छापने का जो काम है इनके द्वारा किया जा रहा था। जांच में ये भी पता चलता है कि इसका असली मास्टरमाइंड ओडिशा में बैठा है, जो पहले प्रयागराज में आधार कार्ड बनाने का काम करता था लेकिन जल्दी अमीर बनने के चक्कर में उसने स्कैनर और प्रिंटिंग खरीद कर जाली नोट छापने का खेल शुरू कर दिया। मदरसे में बाकायदा इसने अलग कमरा भी बनाया हुआ था जहां पर नोटों की सफाई और कटिंग बड़ी कायदे से की जाती थी, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या इनकी प्लानिंग बड़े स्तर पर नोटों की छपाई कर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की थी, क्योंकि जाली नोटों का कारोबार कितना बुरा होता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। जाली नोट पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने नोटबंदी की, तब मीडिया में यह जानकारी सामने आई थी कि पाकिस्तान में ISI की शह पर नकली नोट बनाने का कारोबार धड़ल्ले से चलता है। नेपाल, थाईलैंड और बांग्लादेश के पाकिस्तानी दूतावास के जरिए वो भारत भेजता है। कराची से समुद्री रास्ते बांग्लादेश जाने वाले कंटेनर में भी ये नोट भरे जाते हैं। साल 2010 में करीब 1600 रुपए के जाली नोट हिंदुस्तान में भेजे गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कारोबार कितना बड़ा है और इनका पाकिस्तान से कोई कनेक्शन है या सिर्फ जल्दी अमीर बनने की चाहत में इन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग रची, ये पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से अतीक के घर में इनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या कोई बदले का प्लान तैयार हो रहा था, क्योंकि बीते दिनों CM योगी की सुरक्षा बढ़ाए जाने का भी अलर्ट जारी हुआ था।